मैं एक खबर बिलाईगढ़ से, जहां बिलाईगढ़ के बसंतपुर स्कूल में बच्चों से शिक्षकों पर अवैध वसूली करने का गंभीर मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्कूल की टीचर आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कागजात के नाम पर 100-100 रुपए की वसूली कर रहे हैं। शिकायत के बाद भी स्कूल संकुल समन्वयक और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस ने जिला शिक्षा अधिकारी को वसूली के आरोपों की जानकारी दी, जिस पर शिक्षा अधिकारी ने जांच पर कार्रवाई करने को भरोसा दिया है। अच्छा, सर लोगों द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे पैसा लिया जा रहा है क्या? 100 रुपया कैसे बोलते हैं सर लोग? सर लोग ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं सर, स्कूल में ऐसा बनाने के लिए फंड भी रहता है और ट्रेनिंग का जो खर्च आता है उसके बारे में बच्चे को बता। कितना आता है ट्रेनिंग खर्चा? कंप्यूटर वाले सब ले रहे हैं सर। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार अखिल मानिकपुरी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अखिल, जैसा कि जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने को लेकर शिक्षकों द्वारा जो अवैध वसूली हो रही है, क्या इसकी भनक प्राचार्य साहब को भी है? बिल्कुल बता दूं, इसकी भनक प्राचार्य साहब को भी है और प्राचार्य के साथ साथ संकुल समन्वयक और विकास शिक्षा अधिकारी को भी पत्र इसके बारे में जानकारी है। वही संकुल समन्वयक ने ही उन लोगों को 100-100 रुपए लेकर स्थायी बनवाने की बात कही है और विकास शिक्षा अधिकारी के हमारे स्वराज टीम ने जब बात किया उसने सिर्फ जांच कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और बड़ी बात यह है कि वहाँ पहले से भी टीचर है लेकिन वहाँ व्यवस्था में भी दो शिक्षक रखे गए हैं, जबकि कलेक्टर साहब का बलौदा बाजार कलेक्टर साहब भारतीय का साफ तौर पर आदेश है कि किसी को व्यवस्था पर शिक्षक को नहीं रखा जाना है। अखिल, जैसे कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी आपने बातचीत की थी, तो कितने समय से ये शिकायतें आ रही है? ये मैं बता दूं, ये स्थाई के नाम से जब से स्थाई की जरूरत पड़ी है, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण थी, तब से इन लोगों के द्वारा हर बच्चे से 100-100 रुपए की वसूली किया जा रहा है। इसकी शिकायत विकास शिक्षा अधिकारी को मीडिया के द्वारा हमारा स्वराज टीम ने दिया था लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी से इसकी बात किया जाए तो जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पर आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाएगा। और कितना समय लग सकता है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, पूर्व में यहाँ गर्वेज के भी जाखिरा मिला गया था गोविंद हायर सेकेंडरी स्कूल में, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया, सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए नजर आते हैं। महज खाना पूर्ति की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अखिल।